हाय दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। आरसी दत्त के बारे में पढ़ेंगे। और ये ठीक है, तो इनका पूरा नाम रोमेश चंद्र दत्त है। आरसी दत्त हमारे अभी का जो सीरीज हम लोग का जो चलेगा ना, वो ये मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनका उन जो जो विचारधारा है गांधी जी के बारे में, रोमेश चंद्र दत्त के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, और भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इनके, गोविंद रनाडे के बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो उसी का सबसे पहला कड़ी जो है वो रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त जिनको बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनका जन्म कब होता है? 1848, 1848, और लाइफ स्पेन 909। 1848 से 909 तक उनका जो अपना जीवन काल होता है वो। और ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बंगाली फैमिली से। और खुशी का बात है, इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किए थे 1869 में। बहुत टफ था उस समय, और उस समय ज्वाइन करना बहुत बड़ा बात है। और ये पढ़ाए भी हैं, लेक्चर दिए हैं ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। बहुत बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लंदन, ठीक है। और ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इनका कुछ वर्क है, वर्क जब हम बोलते हैं तो उनके द्वारा लिखा गया किताब उताब। ठीक है, तो इनका वर्क क्या है? वर्क जो है इनके द्वारा क्या क्या है, तो पहला जो है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया। और दूसरा बुक जो है वो है आपका फेमाइन इन इंडिया, फेमाइन इन इंडिया, इंडिया में जो बाढ़ आया था उसके बारे में। ठीक है, गदगिल आप जानते हैं उनको, वो खुद इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, वो इनके बारे में बोलते हैं, डिस्क्राइब दत्त, दत्त के बारे में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि इनका जो ये किताब था ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनियल एम्पायर। ठीक है, पहला हिस्ट्री था औपनिवेशिक शासक का, शासन का। ठीक है, ये आरसी दत्त। और इकोनॉमिक आइडिया इनका क्या था, हम तो यही पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक आइडिया देखते हैं इनका क्या था। लेट्स चेंज द पेन, इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया क्या था उनका, जानते हैं इकोनॉमिक आइडिया क्या था। ठीक है, तो क्या जानेंगे इकोनॉमिक आइडिया में उनका, कि ही वाज कंसर्न मेनली विथ क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। वो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी पे जनरली वो बात करते थे, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी
पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। ये चीफ कॉजेज पॉवर्टी का मेन कारण जो था वो क्या था? कॉजेज क्या था? नंबर वन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल पहला। दूसरा कारण क्या था? तो पहला हम क्या देखे थे? पहला देखे उसका कारण ब्रिटिश रूल, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। और क्या रीजन है? प्रोडक्टिविटी चलिए ठीक है कम है, ब्रिटिश रूल जो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर था वो एक रीजन है, फॉल इन फॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, फॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो है फॉल ऑफ होना हमारा वो भी एक रीजन है। ये बोलते हैं कि इवन द फेमाइन वेयर काउज बाई पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब फेमाइन ऐसे नहीं आता, हेमाइन का कारण जो है वो ब्रिटिश रूल है। तो लिखते हैं फेमाइन वेयर काउज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का पॉलिसी। भाई अब हेमाइन कौन क्यों नहीं आता है? अब लोग भूखे नहीं मरते हैं, सूखा नहीं पड़ता है, हेमाइन कब बोलेंगे? जब उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। मानसून नहीं भी आता है तभी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना अच्छा है, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, अब वैसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है फूड सिक्योरिटी में वैसा नहीं है जैसा अभी अंत्योदय अन्न योजना है या और भी बीपीएल के तहत मिलता है, जो पीला कार्ड लाल कार्ड जो बोलते हैं, तो अभी तो ऐसा नहीं है, तो अभी तो ऐसा नहीं होता है। तो ब्रिटिश के पॉलिसी के कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। बोलते हैं कि ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल आवर विलेज इंडस्ट्रीज हैव बिन किल्ड बाई फ्री कंपटीशन विथ स्टीम एंड मशीनरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश पीपल के द्वारा जो है। तो क्या लिखते हैं वो? क्योंकि लिखना जरूरी है, बोल देने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसलिए लिखते हैं, ठीक है। तो उनका ओपिनियन क्या था? उनका ओपिनियन था कि ऑल आवर, ठीक है, विलेज विलेज इंडस्ट्रीज, जो हमारा कुटीर उद्योग जो था, ठीक है, ग्रामीण कुटीर उद्योग इंडस्ट्रीज हैव बीन, ठीक है, किल्ड बाई किनके द्वारा? अ फ्री कंपटीशन, अ फ्री कंपटीशन। अब ब्रिटिश का जो स्टीम इंजन है उसके सामने क्या हमारा हाथ वाला जो है हथकरघा या हमारा घरेलू कुटीर उद्योग रह पाएगा? आपको लगता है ऐसा क्या? नहीं, ठीक है। तो फ्री कंपटीशन और स्टीम, जो बाष्प से जो चलता था, कोयला से जो चलता था, ठीक है, स्टीम एंड मशीनरी, मशीनरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड ये रीजन है, ठीक है। वो रिमेडीज भी बताएंगे। पॉवर्टी के बारे में बोलते हैं, पॉवर्टी ऑफ इंडिया वाज एग्रीवेटेड बाई एक्स्ट्रावेजेंट सेल्फिश एंड अनसाउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बाय ब्रिटिश। उन्हीं के शब्द में लिखते हैं, द पॉवर्टी, मतलब गरीबी तो था ही भारत में आजादी से, ये अंग्रेज के आने से पहले से भी गरीबी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का, ठीक है, लेकिन वो एग्रीवेटेड हो गया, वो और ज्यादा रेट बढ़ गया। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इंडिया
वाज एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड बाई द एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट सेल्फिश, शब्द देखिए क्या क्या यूज किए हैं, सेल्फिश ठीक है, एंड अनसाउंड, अनसाउंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, पॉलिसीज, फॉलोड बाई ब्रिटिशर्स, मतलब बहुत ही खर्चीला ठीक है, स्वार्थी वाला, केवल अपना ही। अब टैक्स अगर ले रहे हो इंडियन से तो इंडियन के प्रति जो है उसके प्रति खर्च होना चाहिए ना, उस पर खर्च होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सेल्फिश, अनसाउंड जो कि सही नहीं है ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के कारण से ऐसा हो रहा था। कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है तब तक वो इकोनॉमिस्ट सही नहीं है जब तक वो रेमेडीज नहीं देता है। आइए देखते हैं क्या रेमेडीज दिए। बोलते हैं रेमेडीज क्या क्या वो बोले ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेट्स चेंज, देखते हैं तो क्या हो गया। रिवाइवल ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, बोलते हैं पहला बात, रिवाइवल ऑफ, रिवाइवल ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। जो भारतीय घरेलू कुटीर उद्योग जो है ना उसको रिवाइव करना चाहिए, जैसे पहले था फिर से वो आना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हथकरघा जो है वो सब अपना चलना चाहिए। कैसे रिवाइव करोगे, आगे बोलते हैं लैंड, और इसको कैसे करेंगे, प्रोटेक्शनिज्म करेंगे। स्वाभाविक है कि फ्री कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा, लेसिज फेयर को अगर पॉलिसी फॉलो करेंगे, गांधी जी भी नहीं बोले थे, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। रेनाडे जी भी नहीं बोले थे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं बोले हैं, आगे देखेंगे सब आएंगे ठीक है, और सबका विचारधारा मिलेगा क्योंकि सब समकालीन है, ऑल आर कंटेम्प्रोरी टू इच अदर ठीक है। लैंड टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड, लैंड टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड लैंड का जो टैक्स है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ठीक है। तीसरी बात क्या बोले हैं, इंडियन रिवेन्यू शुड बी लार्जली स्पेंड ऑन इंडियन इटसेल्फ, भारत से जो रिवेन्यू मिलता है उसको भारतीय पे ही खर्च करना चाहिए। इंडियन रिवेन्यू, रिवेन्यू शुड बी क्या लार्जली, लार्जली स्पेंड ऑन, सॉरी स्पेंट ऑन, ऑन क्या है, इंडियन इट सेल्फ, इंडियन इट सेल्फ है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वो बोलते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इरिगेशन, एक्सपेंशन की जगह एक्सटेंशन बोले तो, और वहां एक्सपेंशन चलेगा, मतलब भारतीय जो सिंचाई जो है उसका एरिया बढ़ाओ, डिपेंडेंसी ऑफ मानसून कम होना चाहिए, गैम्बल ऑफ मानसून, अभी भी इरिगेशन 82% जो है डिपेंड करता है, हालांकि कह सकते हैं 45% जो है वो डिपेंड हो गया है अब, मैंने अलग अलग जगह पे, और जो हम बिहार का बात करते हैं तो शेखपुरा जिला जो है सबसे ज़्यादा इरिगेटेड है ठीक है, और जमुई जिला जो है सबसे कम इरिगेटेड है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो एक्स, ये एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ क्या होगा, इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया ठीक
ठीक है, इरिगेशन का एरिया को बढ़ाना, तभी तो प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा जगह पे खेती हो पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और मैक्सिमम लोग क्या है, अनस्किल्ड हैं, उस समय का बात हो रहा है, और अभी भी वही हाल है भाई। ठीक है, तो अभी भी पढ़ लिख गए हैं लेकिन क्या जॉब कहाँ है, नहीं है ना, तो नहीं जॉब है तो लोग कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाएंगे, कुछ दिन कोशिश करेंगे, अपना नहीं होगा तो कुछ कुछ सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे, कुछ बैंकिंग में, या कुछ अपना अलग अलग कारोबार करेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वे आर फोर्स टू क्या है, फोर्स टू इंडल्ज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जाना पड़े। वो अलग बात है कि पहले पढ़ा लिखा लोग कम था एग्रीकल्चर में, सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो कम था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी अब बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर का। ठीक है, वो पढ़ा लिखा लोग हो जाएगा, सिस्टमेटिक फार्मिंग होगा, मॉडर्न टेक्निक का यूज होगा, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफिशियंट होगा, सरप्लस उनको ज़्यादा मिलेगा, ये सब कुछ बेनिफिट्स होगा। दे वो क्या करेंगे अब, हो सकता है कोऑपरेटिव समझदारी अगर बढ़ जाएगा तो कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकता है। ठीक है, और ये भी होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, ये सब अगर जब मिलता है आपको, सॉइल हेल्थ कार्ड जब मिलेगा तो आप जानेंगे कि आपका सॉइल जो है, आपका लैंड किस क्रॉप के लिए सुटेबल है, आपके लैंड में कौन सा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी है, फॉस्फोरस का कमी है कि क्या का कमी है, उसको जान करके आप सुटेबल क्रॉप को लगाएंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन बहुत अच्छा चीज़ है, जॉब मैंने मायने रखता है, जॉब बहुत मायने रखता है। ठीक है, एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैंने नहीं, ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं, गवर्नमेंट शुड पे हिट टुवार्ड्स एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट को यहाँ आना चाहिए, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। खैर, हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्या का अर्जन करते हैं। ठीक है, तो 5 जो है वो क्या है आपका, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इफेक्ट इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट शुड शुड ट्राई टू, अभी जो बोल रहे थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इफेक्ट इफेक्ट इकोनॉमी इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, इन्वेस्ट किसी के लिए इनकम होगा ना, किसी का एक्सपेंडिचर, हम घड़ी खरीदते हैं हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन जो कंपनी बना रही है उसके लिए इनकम है, और उस कंपनी में कितने लेबर काम कर रहे हैं, सर्विस मैन जो डिलीवरी देने वाला आता है, सब एक दूसरे से चैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबको मिला कि नहीं, सबका इनकम हुआ कि नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर किसी का इनकम होता है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया कि नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिहार का ग्रोथ रेट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, डबल डिजिट 10-12% है, क्यों, यहाँ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा बात नहीं है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों का इनकम बढ़ गया, नहीं, रीजन है गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, गवर्नमेंट जो है सड़कें बना रही है, अभी जाएंगे बिहार का गली गली में सड़क आपको दिखेगा, नया नया सड़क कब बन गया पता भी नहीं चलता है, एक महीना पहले गए थे कीचड़ था, अभी गए नया सड़क हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो लोगों का ग्रोथ रेट कैसे दिखेगा, सीमेंट कंपनी है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, स्टील रॉड जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, कोयला का उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, चिमनीज वगैरह जो है, ईंटा का उत्पादन, मान लीजिए टॉयलेट्स, जो टॉयलेट बन रहा था स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया कि नहीं, बहुत सारे लोग उसमें काम करने लगे, सफाई के साथ साथ जो है ये आपका बालू वाला का या गिट्टी का या आपका लेबर का, मिस्त्री का, सबका क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हुआ कि नहीं, जो सीट्स लग रहा था, जहाँ बन रहा था उसका हो गया, इट वॉज द लार्जेस्ट कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड, स्वच्छ भारत अभियान। तो ऐसे ही तो नमामि गंगे का बात करते हैं, जो इसका बात करते हैं, ये सी फ्रंट एडोरेशन का,
किसी का जो ये रिवर फ्रंट एड्रेस है, नदी का जो किनारा है उसको सजाएंगे, तो कोई पेंटिंग बनाएगा तो पेंटर को पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, दे विल गेट वेज मिलेगा उनको, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, साथ साथ एडोरेशन भी, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है नदी का, लोग एक टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, लोग टूरिस्ट प्लेस बन रहा है हमारा नदी, ठीक है। आज पटना के रिवर फ्रंट पे जब जाएंगे तो पाएंगे कि पूरा का पूरा पटना के माने पूरा गंगा किनारे जो है, आप चल सकते हैं, इस पार से उस पार चले जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या रीजन है, वाराणसी भी कल्चरल सिटी हो तो पहले से ही था, लेकिन पटना का या पटना जैसा अदर जो है, नर्मदा सर्वदा नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, वहाँ भी देखेंगे नर्मदा रिवर कैसे चमक गई। तो ये सब अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि रिवर को हम कैसे स्वच्छ रखते हैं, हम अपने आसपास को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इफेक्ट इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, वो कहते हैं, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था ना कि रेलगाड़ी जो पटरी जो बिछ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था, ब्रिटेन से ले या कहीं से भी ले, तो हमारा जो टैक्सेशन का पैसा होता था वो क्या कहाँ दे दिया जाता था, जो सरप्लस जो बजट बनता था, जो सरप्लस पैसा बचा रिवेन्यू, वो कहाँ दे दिया जाता था, डेब्ट के रूप में, जो रेलगाड़ी का पटरी बिछ रहा है इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका इंटरेस्ट के रूप में दे दिया गया। तो क्या ये सही है, सरप्लस जो हो रहा है बजट का, सरप्लस क्यों हो रहा है भाई, क्यों, तुम खर्च नहीं कर रहे हो, जान के बचा रहे हो ना, अभी सरप्लस नहीं हो रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री में हमेशा फिस्कल डिफिसिट होना चाहिए 4%, माना गया 2 से 4% का फिस्कल डिफिसिट होना चाहिए, तब आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उस समय सरप्लस में चल रहा था, मतलब यू आर नॉट हीलिंग द पेन ऑफ इंडियंस, जो समस्या था लोगों का, भारतीय लोगों का, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये यही शो करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, गवर्नमेंट शुड ट्राई, हाँ ही सजेस्टेड दैट, वेयर इज माई पेन, हाँ वो बोलते हैं, ही सजेस्टेड दैट क्या सजेस्ट किए वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट शुड बी लोअर्ड, एंड क्या है, एंड सिंकिंग फंड मस्ट बी क्रिएटेड टू लिक्विडेट पब्लिक डेब्ट, टू लिक्विडेट पब्लिक डेब्ट, पब्लिक सिंकिंग फंड, मतलब जो एनपीए जैसे यहाँ होता था ना, अभी एनपीए होता है तो उसके लिए अस्ट्रेस्ड ये बैड बैंक बनाते हैं, जो अस्ट्रेस एसेट है उससे काम चला दें। बैड बैंक किसको बोलते हैं, जो अस्ट्रेस एसेट है, मतलब पैसा मिल नहीं रहा है उसका, एनपीए टाइप का हो गया है, तो वो क्या करें कि चलो रिस्क लेकर के, वैसा बैंक जो उसको कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा रिस्क लेकर के किसी तरह से लिक्विडेट करने का काम करे, उससे भी प्रॉफिट कुछ निकाल ले या लिक्विडेट कर दे उसको, नीलामी ऑक्शन जैसे भी हो, वो अपना काम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और समथिंग का मतलब होता है प्रिंसिपल को निकाल लेना, समथिंग इकोनॉमिक्स में नहीं कि हानि में जा रहे हैं, वैसा समथिंग नहीं चाहिए, वो इकोनॉमिक्स सही इकोनॉमिस्ट नहीं है, ठीक है। सातवां बात क्या है, सातवां बात यहाँ पे है कि ही प्लीडेड फॉर क्या है ये, ही प्लीडेड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में भारतीय लोगों को मिलना चाहिए रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों,
तो क्या बोले थे? इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज इंडियनाइजेशन कीजिए। और क्या बोले थे? ये लास्ट पॉइंट है जो उनके द्वारा बोला गया, ठीक है। बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन मील, उसको घटाइए। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? क्या होता है एक्साइज ड्यूटी? बाहर कहीं पे गया, उस पे हम लगा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलग दूसरे जगह जा रहा है तो ड्यूटी लग जा रहा है, तो वो सब क्या होना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, ठीक है, या कम होना चाहिए। तो ही कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्साइज ड्यूटीज ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई इंडियन मिल्स शुड बी क्या? एबोलिस्ट, हटा दीजिए एबोलिस्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियलाइज जेड भी यूज कर सकते हैं, ऑफ इंडिया। आपको लगता है कि वो करेगा? नहीं करेगा। अगर ऐसा करता तो अंग्रेज ही होता यहाँ पे और आराम से वो शासन कर रहा होता और हम लोग आज़ादी के लिए मार नहीं करते, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। तो देख लिए हम लोग ये किनके बारे में था, आरसी दत्त। आइडियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन अंग्रेज के समय में देखें तो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आइडियलिस्टिक ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है।